हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी ने शिक्षक बहाली को लेकर आज दो पालियों में परीक्षा ली है। पहली पाली में पुरुषों की परीक्षा हुई है और दूसरे पाली में महिलाओं की परीक्षा हुई है। और जैसा कि बताया जा रहा है, सभी छात्र यहाँ पर अपना जो कि अपडेट दे रहे हैं उनके अनुसार जो है ये कहा जा रहा है कि जो बीपीएससी का जो सेकेंड शिफ्ट है यानी कि महिला वाला, ये थोड़ा सा मॉडरेट है इन कंपेरिजन अगर हम बात करें तो बीपीएससी पुरुष वाले छात्रों के। तो चलिए देखते हैं, हम लोग भी यहाँ पे जज करेंगे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर हम कमेंट सेक्शन में आपसे चाहेंगे कि आप भी कमेंट कीजिए ऐसे। अन्यथा आप लोग यहाँ पे खुद अपने क्वेश्चन को चेक कीजिएगा कि कितना उत्तर आपसे यहाँ पे सही हो पाया है। तो ये सेकेंड शिफ्ट का पीडीएफ है जो कि हमें मिल पाया है, हम आप तक इसके आंसर की साझा कर रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा ज़रा। और चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है बिहार के मद निषेध। देखिए, शराबबंदी कानून लाया गया था 2016 में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें एक संशोधन हुआ था। जी हाँ, ये उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 लाया गया। शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी जो बीमती राशि है वो कितना प्रतिशत देना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा 10% देना पड़ेगा। ए उत्तर सही होगा यहाँ पर, अगर आपने ए सही किया है तो। चलिए, एयरबस और बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 है ना, ये जो है यात्री विमान बनाया था। तो दूसरे का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ, जी हाँ, चीन इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे। कृतिराज सिंह, देखिए किस खेल से संबंधित है, और ये खेल जगत से सवाल है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो आंसर कीजिएगा इट्स अ सी, भारोत्तोलन से ये संबंधित है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। आंसर करेंगे बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग। देखिए जो इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं ना, तो ये टॉपिक नोट करते चलिए। जो भी देखिए 69 बीपीएससी दे रहे हैं छात्र, उनको ये टॉपिक नोट करना है कि इन्हीं सभी टॉपिक से हमें भी क्वेश्चन आएंगे और उसी पैटर्न पे उसी लेवल का क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का। ये जो है आपका शिक्षक बहाली के अनुसार अगर देखिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो ये फिलहाल आपका जो बीपीएससी लेवल का है, तो इसी लेवल से वहाँ 69वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंडेक्सेस से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, जी हाँ, सिवान इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं, जी हाँ, किस जिले से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया किस जिले ने, तो सिवान ने किया था। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। तो भाई न्यायालय जो है ना वो हमेशा क्या करता है, तो रिट जारी करता है, RIT, ठीक है, नोट WRIT, ठीक है, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे। आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, हीराकुंड इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 6 के बाद 7 पे। देखिए, अल अक्सा मस्जिद जो कि हाल ही में खबरों में था, वो किस शहर में स्थित है। अल अक्सा मस्जिद जो है दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा, ये है आपके जेरूसलम में, जी हाँ, होली सिटी कहा जाता है ये। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, ये है डी, यानी कि उपर्युक्त में से, जी हाँ, एक से अधिक। तो यहाँ पे उत्तर होगा हमारा डेनमार्क भी हो सकता है, कनाडा भी है, इसलिए एक से ज़्यादा उत्तर सही है, इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आंसर करेंगे, ये कथन दिया गया है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, किसके साथ ये संबंधित है। तो आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, इट्स अ G20, जी हाँ, आंसर बी कर लेंगे। हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ था दोस्तों, जी हाँ, इसलिए इससे सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप लोगों को करंट पे भी फोकस करना होगा। चलिए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर कर लीजिएगा इट्स अ डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, जी हाँ, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे। कौटिल्य जो है चाणक्य को कहते हैं। तो कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, ए तक्षशिला, जो कि अब वह पाकिस्तान में है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे। आंसर करेंगे, बिहार में 1781 में विद्रोह में बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1781 का विद्रोह, ठीक है, बिहार के कथन के अनुसार यहाँ पे जो सही है उत्तर कीजिएगा इनमें से एक से अधिक, जी हाँ, चूँकि उस समय जो है किसानों द्वारा विद्रोह भी किया गया था, जमींदारों द्वारा विद्रोह किया गया था, और जो है यहाँ पे दोस्तों अंग्रेज बिन किसी परेशानी के विद्रोह कुचलने में सफल भी रहे थे, तो तीनों सही था। सवाल नंबर 13, जी हाँ, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो
इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो 13 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका उत्तर यहाँ पे बी है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे दोस्तों, आंसर करेंगे भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितने सीटें हैं। तो 14 का उत्तर यहाँ पे कर लेंगे 1272, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 15, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए है ना कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो भारत सरकार की ये योजना है किसान बीमा है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। 15 का उत्तर कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों ए, इसको कहते हैं डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म, ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 16, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो 16 का उत्तर करेंगे दोस्तों अमित क्षत्रिय को, आंसर सी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे, आंसर करेंगे दोस्तों भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो 17 का उत्तर यहाँ पे कीजिएगा इट्स अ बी 33%, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे, आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है। तो स्थानांतरी जो कृषि है दोस्तों ये इसका एग्जाम्पल है। देखिए 18 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, एक से अधिक इसमें है जो कि पोदू है और दहिया भी है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया जाता है, दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। तो 19 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे बी, यानी कि मलोका इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं, ऐतिहासिक दक्षिणापथ है ना, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र विस्तार है। तो 20 का उत्तर करेंगे दोस्तों ए, यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नीलगिरी के मध्य में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 21 पे, आंसर करेंगे यहाँ पे जी हाँ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक हैं। तो 21 का उत्तर कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों बी, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी और सहाद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे, आंसर कर लेंगे जी हाँ, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो 22 का उत्तर यहाँ पे करेंगे जी हाँ ए, पश्चिमी एशियाई भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे, आंसर करेंगे जीटी ट्रिवार्था है ना, जीटी ट्रिवार्था के अनुसार भारत में एम ठीक है एम प्रकार की जलवायु के क्षेत्र कौन से हैं। तो यहाँ पे आप 23 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों बी, पश्चिमी घाट में, ये यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों की स्थानीय नाम। तो 24 का उत्तर यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों जी हाँ, अगर देखिएगा तो ये जो नाम है ये आपका अमन, औश और साली, और आपका जो है अमन, अगहनी और औश, ठीक है, तो ये दोनों होगा, इसलिए एक यहाँ पे आंसर हम डी कर लेंगे, इज़ द करेक्ट आंसर, एक से अधिक। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। अब 25 में नहीं बोला गया है इसलिए ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक है जी हाँ, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और इसमें 2 से अधिक राज्यों का विस्तार भी होना चाहिए और यहाँ पे गंगा के सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र भी होना चाहिए। तो ये तीनों ही सही है यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे दोस्तों, आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। तो 26 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों एक से अधिक जी हाँ, शीत कटिबंधीय क्षेत्र के लिए 23.5 डिग्री गोलार्ध और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच होना चाहिए, जो कि आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त अंटार्कटिक वृत्त के ध्रुवों के बीच में विस्तृत क्षेत्र है, और ये भी आपका उत्तर हो जाएगा अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच में क्षेत्र है। तो यहाँ से आंसर कर लेंगे हम डी, एक से अधिक इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। 27 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों इट्स अ सी, कुमाऊं हिमालय इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। 28 पे चलते हैं यहाँ पे, आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या मात्र 6 लाख थी, तो सी उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। चलते हैं 29 पे, आंसर करेंगे दोस्तों किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो 29 का आंसर कीजिएगा सन 1929 में, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 30 पे, आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने की कार रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था।
तो 30 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ई इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 31 पे, किस षड्यंत्र के मामले में तीन अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। तो 31 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों मेरठ षड्यंत्र मामला, ए इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या है। पूना पैक्ट का उद्देश्य है दोस्तों ए यानी कि दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। सवाल नंबर 33 पे चलते हैं दोस्तों, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। 33 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ई इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं 34 नंबर, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। तो कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये कालिंकर दत्त हैं, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 35 पे, आंसर करेंगे सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के किसको हराकर जो है अध्यक्ष बने थे। तो 35 का उत्तर यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों ये पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 36 पे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे एक से अधिक सही है उनके बारे में कथन, यह नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 37 पे, आंसर कर लेंगे इनमें से कौन जो है समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या थी। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों 37 का यहाँ पर एनी बेसेंट जो कि ये संबंधित थे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 38 पे, आंसर करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो 38 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे ये अश्विनी कुमार दत्त, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 39, चंपारण नील आंदोलन और के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स अ डी, इनमें से एक से अधिक, जी हाँ नोट कर दीजिएगा यहाँ पर। सवाल नंबर चलते हैं 40 पे, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लिनथिंगो ने पटना एवं उसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है आपके परीक्षा में भी, जी हाँ ये 9 अगस्त का टाइम था लेकिन इनमें से टाइम नहीं दिया गया है। तो आंसर ई कर लीजिएगा इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 41 पे, आंसर करिएगा दोस्तों समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता यानी कि OIC योजना जो है भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो 41 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ई इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 42 पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के कारण मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है। 42 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे एक से अधिक, सामाजिक सुधार है, संविधान तथा उसके आधारभूत संरचनाएं हैं, तो यहाँ पे तो ये दोनों ही हैं इसलिए हम यहाँ पे डी उत्तर कर लेंगे। भारत की केंद्रीय सरकार और पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। 43 का आंसर कर लेंगे दोस्तों सन 2004, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 44 पे, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। 44 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी भी थी। सवाल नंबर चलते हैं 45 पे, इनमें से कौन जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है। 45 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे ए यानी कि जीन जैक्स रूशो इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 46, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। सभी उत्तर आप मिलाते चलेंगे फटाफट यहाँ पे, जितने भी उत्तर हैं हम कर दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि जो है आप अपना आंसर मिला के जो है आप अपना पेपर चेक कर सकती हैं, जितनी भी महिला छात्राएं यहाँ पे इसका आवेदन की थी और इसका परीक्षा दी थी। तो आंसर कर लेंगे दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 47 पे, निम्नलिखित में कौन जो है भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। 47 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स अ डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर चलते हैं 48 पे, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक इससे कौन थे लिखा गया था। तो 48 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 49, आयरलैंड में जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया। चूँकि देखिए ये यूके का पार्ट जो कहलाता है ना, ये आयरलैंड जो है और इसके साथ साथ तीन और है, वेल्स है, इंग्लैंड है ना, ये और भी देशों को मिला के जो है इसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो आयरलैंड को ज़बरदस्ती यहाँ पे मिलाया गया फोर्सफुली 1801 में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 पे, आंसर कर लेंगे सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था।
तो उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। श्रीलंका जो है कब आज़ाद हुआ था या कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये 16 अगस्त याद रखेंगे दोस्तों सन 1948 भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और ये 48 में हुआ था, इसलिए ये उत्तर करेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 52 पे, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है, तो 52 का उत्तर कर लीजिएगा सी, यानी कि ये बूढ़ों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है जो 65 साल से अधिक हों। सवाल नंबर चलते हैं 53 पे, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए, तो यहाँ पे देखिए जो सूचियाँ दी गई हैं ये आंदोलन के नाम दिए गए हैं और उनसे महत्वपूर्ण संबंधित जो हैं उनके नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे मिलाइएगा, तो यहाँ पे जब मिलाइएगा तो यहाँ पे मिलाइए इसका आंसर कूट कीजिएगा, है ना, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे नील के पौधे लगाने वाले आंदोलन चंपारण, या नील की खेती होती थी, और फिर उसके बाद खेतिहर सत्याग्रह, तो ये खेड़ा का सत्याग्रह था, खेड़ा बारगोली, है ना, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, तो ये जो था आपका अहमदाबाद, ठीक है, मिल मजदूर, और असहयोग आंदोलन, तो ये चौरा चौरी के समय बंद कर दिया गया, तो यहाँ पे आंसर 2314 होगा, 2314 इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 54 पे आंसर करेंगे, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि, क्योंकि दोस्तों यह विचाराभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, तो ए इज़ द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 55 पे आंसर करेंगे, देखिए सूची एक और सूची दो को मिलाना है, तो कुछ प्रांतों के संशोधन की उपलब्धता थी और संसाधनों की और संबंधित प्रांतों के नाम दिए गए हैं, तो जैसे कि आइए देखते हैं खनिज संसाधनों की संपन्नता जो परंतु उद्योग कारण की कमी, तो यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, ये मिलाइएगा यहाँ पे, तो आंसर कर लीजिएगा जो आपका ये आंसर इसके साथ मैच करेगा, खनिज संसाधन झारखंड में सबसे ज़्यादा, जल संसाधन से संपन्नता है ये अरुणाचल प्रदेश है, और सौर्य और वायु ऊर्जा से संपन्नता जो है ये हमारे राजस्थान में है, और खनिज संसाधनों से सबसे ज़्यादा है लद्दाख, तो एक दो तीन चार हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी हम उत्तर कर लेंगे इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे 55 का बी हो जाएगा। 56 पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे हिमालय यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है, तो 56 का उत्तर करेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 57 दोस्तों, श्वसन मूल किस में पाया जाता है, 57 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये लवणों विद्ध में पाया जाता है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 58 पे आंसर कर लीजिएगा, देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सुबह भी पूछा गया था, है ना, तो द्वितीयक प्रदूषक है दोस्तों 58 का आंसर कीजिएगा, एक से अधिक SO2 है और आपका जो है पैन है, इज़ द राइट आंसर, बी और सी हो जाएगा। सवाल नंबर 59 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, तो आंसर 59 का कर लीजिएगा दोस्तों, ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। सवाल नंबर चलते 60 पे, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो आंसर कर लीजिएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है ये उन पौधों उनके लिए कहा गया है जहाँ पे लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, तो केरल और कर्नाटक हमारा क्षेत्र है। सवाल नंबर चलते हैं 61 पे दोस्तों, भारत में मिथेन का स्रोत, जी हाँ आंसर 61 का ए कीजिएगा, धान का खेत है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 62 वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मध्यमंडल, सभी कोई ने पढ़ा होगा इसको। सवाल नंबर चलते हैं 63 पे, क्रमिक पोषी स्तर के विषाक्तता पदार्थों का सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं या क्या कहते हैं, तो आंसर 63 का आंसर कीजिएगा, जैव आवर्धन कहते हैं। सवाल नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता या करती है, तो ये है दोस्तों लाइकेन, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 65 पे, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है, तो रामसर साइट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्द्र भूमि इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। इटाई रोग के बारे में हमने आपको क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, ये किससे संबंधित है, तो ये इटाई जो है आपका ये कैडमियम से संबंधित है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 67 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वास्थ्य ने, है ना, स्वस्थ थाने संरक्षण के अधिनियम शामिल नहीं है,
67 का आंसर करेंगे दोस्तों, ये वनस्पति उद्यान, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 68, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? 68 का आंसर कर लेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, ये ओडम के द्वारा दिया गया था। सवाल नंबर चलते हैं 69 पे, आंसर करेंगे SO2 प्रदूषण सूचित होता है, SO2 जो है सूचक प्रदूषण होता है आपके लाइकेन के द्वारा, ये इज द करेक्ट आंसर। सलीम अली पक्षी अभ्यारण किस प्रदेश में है? तो 70 का उत्तर यहाँ पे कीजिएगा दोस्तों, ये गोवा में है, ठीक है। तो ये गोवा का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर ई हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर चलते हैं 71 पे, IUCN मुख्यालय कहाँ है? आंसर कीजिएगा 71 का उत्तर यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, ये स्विट्जरलैंड में है, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 72, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? आंसर कर लेंगे दोस्तों, ये 10%, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 73 पे, आंसर करेंगे दोस्तों, देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अब इसको फटाफट हम लोग करते हैं। यहाँ पे नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा दोस्तों 73 का, वो गलत संख्या है 8, ठीक है, तो आप आंसर ए कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर कहा है कि इसमें दी गई तालिका में गलत संख्या बताएं, तो ये गलत संख्या आपका इसमें 100 है, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि मान जो है ए बराबर 10 सेंटीमीटर माना है और बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ये एक त्रिभुज बना रहा है, तीन भुजाओं का मान दिया गया है, तो 75 का यहाँ पे उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। देखिए समद्विबाहु तो होगा नहीं, दो भुजा इसमें बराबर होगा, समकोण होगा नहीं क्योंकि उसमें एक कोण जो है आपका 90 का बनेगा और ये एक 10 दिया है, एक 3 दिया है, एक आपका 6 दिया है, तो कहीं से भी आपको नहीं बनेगा यहाँ पर समकोण। और ए बी सी जो है त्रिभुज की भुजा है, तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो सकता है। कौन, तो ये आप ये प्रूफ नहीं कर सकते ना, मतलब ये तो एक सीधी, मतलब ए बी सी और आप मान लीजिए कि अलग अलग यहाँ पर रेखाएँ दी गई हैं, तो ये त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इसलिए ई ऑप्शन होगा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 77 के बाद, यहाँ 76 है ना, 75 के बाद, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, मदन और करण के बीच में क्या संबंध है? तो 76 का सिंपल सा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो ये मदन के भाई के अंकल, तो मदन है ये, इसका भाई के अंकल जो है, तो इस दोनों के ही अंकल होंगे, है ना, दोनों के ही अंकल होंगे, तो ये मदन के भाई जो है के अंकल, है ना, भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, करण के पिता के भाई हैं, तो ये भाई दोनों भाई होंगे, है ना, ये करण के पिता मान लो हो गए, ये जो है इनके भाई हो गए, तो मदन और करण के बीच में जो संबंध है एक तरह से भाईचारे का हो सकता है यहाँ पे, तो मदन करण का भाई भी हो सकता है, लेकिन 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 यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये जो है ये रिलेशन नहीं जोड़ रहा है इनके साथ यहाँ पे, है ना, और इनका इन्हीं के साथ जोड़ रहा है। अब ये जो है मदन आपका, इनका रिलेशन इनके साथ नहीं जुड़ पा रहा है, ठीक है, इसलिए ये भाई तो कहलाएंगे, लेकिन अब वो हो सकता है कि रिलेशन, ब्लड रिलेशन ना हो उनका, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा यहाँ पर। सवाल नंबर चलते हैं 77 पे, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें, तो YTO के बाद यहाँ पर जो आएगा आपका, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जे और ई आएगा इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 78 पे, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिकोण हैं, त्रिकोण बताना है यहाँ पे, तो 78 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 13 है इज द करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा उत्तर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 79 पे, क्वेश्चन नंबर 79 को पढ़िएगा, तो आंसर है कि आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, है ना, दक्षिण की ओर चली 3 किलोमीटर, फिर वो दाएं मुड़ गई, तो दाहिने मुड़ी तो 2 किलोमीटर चली, और फिर वो जो है दाएं मुड़कर, है ना, यहाँ से जो है दाएं मुड़ी, फिर जो है वो दाएं मुड़ती है। अब ये इसका फेस इधर है ईस्ट की तरफ, तो इसके दायां जो है या साउथ में ही होगा इसका, और ये 3 किलोमीटर चलती है तो, और अपने बाएं ओर मुड़ जाती है। अब ये इधर आती है तो इसका जो बायां होगा वो किधर होगा भाई, तो जब ये है इधर मुड़ी तो बायां इसका इधर हो जाएगा, है ना, बायां मुड़ती है तो सीधा, और फिर सीधा चलना शुरू करती है, वो अब किस दिशा में चल रही है, तो आंसर यहाँ पे 79 का कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, वो पश्चिम की दिशा में चल रही है, इधर वेस्ट है, ठीक है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, ये वेस्ट की तरफ चल रही है, तो बी हमारा उत्तर सही होगा।
सवाल नंबर चलते हैं 80 पे। नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 80 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों 872, यह नोट कर लीजिएगा, आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 81 पे। निश्चित कूट, देखिए कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन उठा के दिए गए हैं और ये सभी आपके जो है ना बैंकिंग वैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं जो कि रीजनिंग वगैरह में पूछे जाते हैं या SSC वगैरह के CHSL लेवल पे क्वेश्चन ये आते हैं एग्जाम में, तो वहाँ से उठा के क्वेश्चन दिया गया है। तो 81 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये 8 को दर्शाएगा एंड, ठीक है, ये एंड जो है कोड किएगा 8 को। सवाल नंबर चलते हैं, कौन सा अंक यहाँ पे दर्शाता है एंड को, तो 8। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 82 पे। देखिए 6 सड़कें एक देश को ओर जाती हैं, तो ये क्वेश्चन देखिए इस तरह का क्वेश्चन सुबह भी पूछा गया था। फिलहाल XYZ अक्षरों और 1, 2, 3 अंकों द्वारा इंगित किया जाता है। जब तूफान आता है तो Y अवरुद्ध हो जाती है, जब बाढ़ आता है तो X जो है 1 और 2 को प्रभावित होती है, जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है तो Z को अवरुद्ध करती है, और एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए तो तूफान भी चलने लगता है, तो इसकी सड़क का उपयोग किया जा सकता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है जो कि आपके रीजनिंग वाले साइड से है, तो आंसर यहाँ पे हम 82 का कर लेंगे दोस्तों, सी यानी कि 3 इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 83 पे। क्वेश्चन है कि किसी दिए गए कोट, यहाँ पे दिल्ली को कोट किया जाता है CCIDD लिखा जाता है, तो उसी कोट में बॉम्बे को क्या लिखेंगे। 83 का आंसर कर लीजिएगा AMJXVS, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 84, बिना दोहराव के अंक यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 84 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों 120, सी इज द करेक्ट आंसर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सवाल नंबर 85, हाइट को हम लोग लिखते हैं ये और लूज को लिखते हैं इतना, तो यहाँ पे मोबाइल को क्या लिखेंगे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, 85 का यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये लिखेंगे हम लोग, सी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 86, निम्नलिखित शब्दों में तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सह प्राध्यापक, प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक, तो ये कूट जो है आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, क्रम में बताना है, ठीक है। तो 86 का यहाँ पर आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, पहले प्राध्यापक, फिर आपका सह प्राध्यापक, फिर सहायक प्राध्यापक, यानी कि ये क्रम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर बी कर लेंगे, इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 पे। एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है, पहले बच्चे को कुल वस्तुओं के हाफ मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है, तीसरे पहले बच्चे को यहाँ पर 1/3 मिलता है, तो चौथे बच्चे को कितना अंश मिलेगा। तो 87 का आंसर कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, ई इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 88 पे। यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात। तो 88 का आंसर कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, ई इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 89 पे। सुरेश और शशि काम को क्रमशः 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 रुपये प्रारंभिक प्राप्त किया। प्रारंभिक में उनके हिस्से हैं क्रमशः। 89 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये जी हाँ 3400 और 2200 इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 90 आंसर करेंगे, ए का वजन बी के वजन से 25% और सी का वजन 40% है, तो सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर होगा। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 160, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 91, तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आंसर कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, ई इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि इसका उत्तर है। सवाल नंबर चलते हैं 92 पे। 2 वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफल का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके केंद्रों के बीच जो है 6 सेंटीमीटर है दूरी, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 92 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 93 पे। एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की मीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर घंटा कम है तो दोनों ट्रेन की गति क्या होगी। तो 93 का उत्तर हम यहाँ पे सी करेंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 94 पे। समीकरण को हल करना है और यहाँ पे x का मान बताना है, तो 94 का उत्तर आप लोग कीजिएगा 1/3,
सी बी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 95 दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि राशि 5 वर्षों की साधारण ब्याज के 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से जो है 12,000 का 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 95 का उत्तर सी कर लेंगे, 3972 रुपया होगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 96 पे। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थी जो है 37.5% छात्राएँ थी, छात्रों का प्रतिशत 75 था तथा छात्राओं को 62.5 डिग्री सफल हुए हैं तथा 342 छात्राएँ असफल हुई हैं। असफल छात्रों की संख्या क्या होगी? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे बी, यानी कि 380 इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 पे, आंसर कर लेंगे -2/3 और 1/2 के बीच में 2 संभव परिमेय संख्या क्या है? बिल्कुल यह ध्यान रखेंगे बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो भी लोग उत्तर किए हैं। 98 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे बी 25 वर्ष आएगा, ठीक है। वहीं पे 99 का उत्तर अगर हम देखें तो नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है आपको यहाँ पे। तो 99 का उत्तर जिन्होंने 20% किया है, उत्तर बिल्कुल सही है आंसर इसका। सवाल नंबर चलते हैं 100 पे। विद्यालय है प्रत्येक विद्यार्थी के हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या तो अंग्रेजी दोनों लेता है और 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 है तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? तो 100 का उत्तर अगर आपने यहाँ पे किया है 75 तो उत्तर बिल्कुल सही है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 101 पे। यहाँ पर इसका मान बताना है जो कि यहाँ पे सॉल्व किया गया है, हमने यहाँ पे बताया है 1, जो कि उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है, सटीक है। सवाल नंबर 102, यदि यहाँ पे जो है इस वैल्यू का मान में एन का वैल्यू बताना है आंसर यहाँ पर, ठीक है। तो एन का मान जो हमने निकाला है यहाँ पे दोस्तों, इनमें से कोई नहीं आ रहा है, 5 आ रहा था शायद, है ना, तो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा ई। 103 को सॉल्व करने पे जो है आपको कितना उत्तर आ रहा है 103 वाला? तो ये भी आपका उत्तर जो होगा इनमें से कोई नहीं, ई इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 104 पे। 104 का उत्तर आपने अगर यहाँ पे बी किया है दोस्तों, ये रेशियो निकालना है, तो उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। सवाल नंबर चलते हैं 105 पे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों ये कोबालामीन है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 106 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो 106 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों बी, ये हल्दी है, बी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 107, जब मृदा अति क्षारीय हो तो तथा पौधे पैदा नहीं होते हैं तो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों ये कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। सवाल नंबर 108, फारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों ये -459.4 फारेनहाइट होता है, फारेनहाइट के पैमाने पर मापा जाएगा, तो आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। सवाल नंबर 109, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो 109 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इनमें से एक से अधिक ये दोनों ही होती हैं, ठीक है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। सवाल नंबर चलते हैं 110 पे। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण pH मान क्या होगा? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स अ बी, 7 से कम होगा। सवाल नंबर चलते हैं 111, गीगाबाइट बराबर होता है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 1024 MB के बराबर होता है। सवाल नंबर 112, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये उदासीनीकरण है अभिक्रिया, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पे। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो आंसर कर लेंगे ग्लूकोज, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक, जी हाँ, सभी अंगों की वृद्धि भी करता है, पुरुषों के यौन अंगों का भी विकास करता है। सवाल नंबर चलते हैं 115 पे। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप के नियंत्रित करते हैं? तो आंसर कर लीजिएगा पोन्स मेडुला सेरिब्रम इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो आंसर कर लेंगे बी, स्थित ऊंचाइयों पर। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो 117 का उत्तर कर लीजिएगा बैगनी, ये सुबह वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सवाल नंबर 18, मेधा गर्जन जो कि समय पर निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित होता है?
तो 118 का उत्तर कीजिएगा, इनमें से कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 119 पे, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो आंसर करेंगे बढ़ती है। और आखिरी सवाल है यहाँ पे दोस्तों कि नेत्रदान में दाता की आँख जो होती है किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है, यानी कि जो दान मिलता है, दान दिया जाता है, तो कॉर्निया का प्रतिरूपण करते हैं हम लोग। बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 120 प्रश्नों में आपने कितना उत्तर यहाँ पे सही किया, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन से उत्तर यहाँ पे गलत है वो भी बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हमने उत्तर दिए हैं 100% सटीक उत्तर दिए हैं। आपको कितने आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, कितना उत्तर आप सही कर पा रही हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।